दोस्तों, रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के क्रैश होने के बाद अब भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने की उम्मीद है। यदि चंद्रयान 3 सही तरह से लैंड करता है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश बन सकता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की कोशिश 23 अगस्त को शाम 6 बजे होगी। चंद्रयान 3 के दूसरे और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन को रविवार रात 1:50 पर पूरा किया गया था, जिससे लैंडर की चंद्रमा से दूरी 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर तक रह गई है। इस ऑपरेशन में अंतरिक्ष यान की गति को धीमी की गई थी। इसरो ने सोमवार को घोषणा किया कि वे चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर चुके हैं। जब टू वे कम्युनिकेशन स्थापित हो गया तो ऑर्बिटर ने लैंडर का स्वागत किया और वेलकम बॉडी का मैसेज दिया। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम अन्नादुरई ने बताया कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा, तब यह प्रक्रिया 15 से 20 मिनट तक चल सकती है। इसके बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में मदद करने वाले रैप से बाहर आएगा और इसरो के कमांड के तहत चंद्रमा की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान रोवर के पहिए चंद्रमा की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसरो के लिए एक बार धन्यवाद ज़रूर बोलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।